My dear students, faculties, and our dear guests. Harshita ma'am and Rishabh sir, our DLG Group, Institute of Asian Institute of Management, Pharmacy and Media, welcoming you to our institutions. Now, I would like to call the Madhu sir to welcome our guest, Rishabh sir. Thank you so much, Sadhguru ma'am, for such an opening. लगभग 200 बच्चों को कॉल किया गया था कि आपको आज आना है और मार्गदर्शन देना है. चुनिंदा बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन ये दावा है और ये वादा है कि जब भी आप किसी राह पर जाते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उस राह पर चल चुका है, क्योंकि वो आपको अनुभव बता सकता है कि उस राह पर कहाँ झंडे हैं तो कहाँ कांटे हैं. और आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है वो आपको उन्हीं अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं स्टोकोलॉजी के बारे में, शेयर्स के बारे में, और उस कंपनी के बारे में जिसके कैंपस में आप बैठने जा रहे हैं. आपको उस पूरी जानकारी के लिए मैं बिना किसी ताखीर और बिना किसी देरी के आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच का आमंत्रण करना चाहूंगा. हर्षिता मैम का और whoever wants to just deliver first, मैं उनका आमंत्रण करना चाहूंगा जोरदार तालियों के बीच. सबसे मेन सवाल होता है कि आप अपने बारे में बोल पाएंगे. अगर आप अपने बारे में ही नहीं बोल पाएंगे तो आगे आपसे कोई भी
एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। तो आप तैयार रखिए कि आप अपना इंट्रोडक्शन एक मिनट में कैसे देंगे, और जैसे आपका इंट्रोडक्शन एंड हो आप लास्ट में एक लाइन उसमें बोलिएगा कि आई लाइक टू स्टडी अबाउट दिस। जैसे मैंने बोला था माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, अब मैंने अपना जो इंट्रोडक्शन था वो इन दो लाइन से एंड किया। अब ये जाहिर सी बात है कि जहाँ पर हम एंड करते हैं वहाँ से वो क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उन्हें ही सवाल दे दिया कि अब आप मुझसे अकाउंट से कुछ भी पूछ लो मेरे को आता है, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आप सबका कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, आप अपने इंट्रोडक्शन को उसी चीज़ से एंड करिए। जिस चीज़ से आप एंड करेंगे अगर आपका लक अच्छा होगा तो उसी चीज़ से अगला सवाल आएगा। ऐसे ही आप अपने इंटरव्यू को गाइड कर सकते हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सामने वाला आपसे अगला सवाल क्या पूछेगा। तो ये जो ट्रिक थी ये मैंने अपने दोनों ही इंटरव्यूज में अप्लाई थी और मेरा इंटरव्यू एकदम इसी तरीके से चला था। तो अब वो डिपेंड करता है लक पर भी, क्योंकि कोई कोई जो आता है इंटरव्यू लेने वो कई बार डिसाइड कर रहा था कि मैं तो यही सवाल पूछूंगा तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई एचआर ऐसे ही आया हुआ है कि मैं कॉन्वर्सेशन की तरह इंटरव्यू लेने वाला हूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके काम कर जाएगी। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन तैयार करिए और एंड में कुछ दो ऐसी लाइन्स आप लिखिएगा जिससे आप एक्सपेक्ट करें कि अगला क्वेश्चन आपका वही वाला आना चाहिए। तो आई होप आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। अभी जैसे आपको हर्षदा मैम ने बेसिक्स तो बता दिया कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से अपने इंटरव्यू को करना है, और क्योंकि आप एक कॉलेज तो मेरी कंपनी आ रही है वो है स्ट्रॉकोलॉजी, दैट इज बेसिकली आपकी फाइनेंस कंपनी। तो जब आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में बैठते हैं, चाहे आप वो सेल्स के लिए बैठे हैं चाहे आप फाइनेंस के लिए बैठे हैं, बट जो उनका काम है वो आपको काम समझना चाहिए। बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे जब आप उस कंपनी में काम करेंगे, जब उस कंपनी के क्लाइंट्स आपसे बात कर लेंगे तो वो उससे रिलेटेड आपसे बातें करेंगे। जैसे आपके पास स्टॉकोलॉजी कंपनी आ रही है तो वो आपको बेसिकली स्टॉक से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो जब आपको खुद को स्टॉक के बारे में समझ में आएगा, जब आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा, तब आपको उस कंपनी का मार्केट समझ में आएगा कि वहाँ पे जिस तरीके के कस्टमर्स आने वाले हैं वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी उसी तरीके से चलेगा कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली एक मार्केट प्लेस होती है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या होता है, एक बायर और सेलर मीट करते हैं। अब बायर और सेलर के मीट करने का काम क्या होता है कि उनको कुछ किसी को एक सेलर है जो कि कुछ सामान बेच रहा है और एक बायर है जिसको वो सामान खरीदना है। सो बेसिकली जैसे एक मार्केट प्लेस होती है उसी तरीके से एक स्टॉक मार्केट भी होता है। बस लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनी है उसके शेयर्स वहाँ पे सेल होते हैं। तो जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को सेल करना चाहते हो या फिर किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट में जाते हो। अब स्टॉक मार्केट जो होता है, अब जैसे स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट रेगुलेट किस होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस से रेगुलेट होता है कि मार्केट प्लेस एक्चुअल आप कहाँ पे जाओगे तो आपको जाने के लिए कहाँ पे पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। तो इंडिया में बेसिकली दो तरीके के एक्सचेंजेस हैं, वैसे तो टोटल 9 एक्सचेंजेस हैं बट आपने दो बहुत ब्रॉडली नेम सुने होंगे, एक है NSE और एक है BSE। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, मतलब इंडिया में तो ऑब्वियसली सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुआ था, लेकिन अगर हम पूरे एशिया की बात करें तो एशिया में भी सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज इनकॉर्पोरेट हुआ था वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपने हर्षद मेहता की मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक दलाल स्ट्रीट था, जैसे एक मुंबई जैसे एक अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है वैसे हमारा इंडिया में दलाल स्ट्रीट है। वो दलाल स्ट्रीट पे पूरी ट्रेडिंग हुआ करती थी। जैसे आज हम फोन पे जाएं तो फोन पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट पहले कैसे हुआ करता कि आपको एक्चुअली पेपर दिए जाते थे उस कंपनी के और उस पेपर के थ्रू आप ट्रेडिंग किया करते थे, तो आपको एक्चुअली यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था। बट अब कैसे होता है कि आपके पास एक्सचेंजेस बना दिए गए हैं NSE BSE और ऐसे 9 टोटल इंडिया में एक्सचेंजेस हैं जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको जरूरत किस चीज़ की, ब्रोकर्स की जरूरत है। आप खुद से नहीं कर सकते। आज अगर मेरे को टाटा के शेयर्स खरीदने हैं तो मैं टाटा से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता कि मेरे को टाटा के शेयर्स खरीदने हैं, या फिर किसी टाटा के शेयर होल्डर से बात नहीं कर सकता कि मेरे को आपके शेयर्स खरीदने हैं। मैं क्या आपको जान के बात कर सकता हूँ किस वजह मैं जाता हूँ ब्रोकर्स के पास। जैसे आपकी कंपनी आने वाली है स्टॉकोलॉजी, तो स्टॉकोलॉजी क्या है, बेसिकली एक फाइनेंशियल एडवाइजर कंपनी है प्लस जो आपको ब्रोकर एज अ ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ब्रोकर की सर्विसेज क्या होती है कि ब्रोकर आपके पास आएगा और आप उससे शेयर्स खरीदेंगे। तो बेसिकली
अब ब्रोकर इज एन इंटरमीडियरी जो कि एक बायर और सेलर को मीट करवा रहा है। तो जैसे टाटा कंपनी है तो वो बायर है, ओ सॉरी वो सेलर है, मैं बायर हूँ, लेकिन मैं क्योंकि डायरेक्टली मीट नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं किसके पास जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एक इंटरमीडियरी के पास, और वो इंटरमीडियरी क्या है, ब्रोकर है। तो अगर आप स्टॉकोलॉजी में काम करोगे तो एज अ ब्रोकर काम करोगे कि आपके पास एक कोई बायर सेलर के पास आपके पास डील आनी है और आपको बीच में से उस स्टॉक को सेल करवाने की कोशिश करनी है। सो दैट इज बेसिकली योर वर्क एज एज एन स्टॉकोलॉजी। वो पूरा काम क्या कर रहे हैं कि वो सेलर को बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें खरीदना चाहिए, किस प्राइस पे खरीदना चाहिए और फिर किस जगह से खरीदना चाहिए। तो जगह तो हमने डिसाइड करी कि हमारी कंपनी है जो कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आपके पास दो चीज़ें सामने आपको मिली, एक स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज आपको समझ में आ गया, तीसरी चीज़ यहाँ पर है स्टॉक इंडेक्स। अब स्टॉक इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जब आप अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप दूसरे से इन्वेस्ट करा रहे हैं तो आपको इंडेक्स समझ में आना चाहिए। जैसे दो तरीके के हम इंडेक्स समझते हैं, एक है सेंसेक्स और एक है निफ्टी। सेंसेक्स क्या है, देखिए हमारे अगर हम NSE पे जाओगे, आप BSE पे जाओगे तो वहां पे आपको हजारों स्टॉक्स दिखेंगे, हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और सबके आपको प्राइसेस दिख जाएंगे। बट क्या वो मार्केट पूरा लीड करते हैं, नहीं, वो मार्केट लीड नहीं करते, वो इंडेक्स नहीं चलाते हमारा। इंडेक्स क्या होता है, जैसे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो हमारे जो टोटल जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि इन सब में से सबसे बड़ा मार्केट किसका है, उन टोटल टॉप 30 कंपनीज का हम स्टॉक लेते हैं और उनका हम एवरेज करते हैं तो हमें पास सेंसेक्स की वैल्यू आ जाती है। जैसे आज मान लीजिए सेंसेक्स की वैल्यू चल रही है, मैं फॉर एग्जांपल अगर बोलूँ कि 64,000 सेंसेक्स की वैल्यू चल रही है, तो सेंसेक्स हमें ये बता रहा है कि जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनकी क्या वैल्यूएशन है मार्केट में। सिमिलरली दूसरा जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। तो आपको नाम से समझ में आ रहा है कि 50 स्टॉक्स लिए जाएंगे इसमें, जो टॉप 50 कंपनीज होंगी। अब वो टॉप 50 कंपनीज होंगे किसी भी सेक्टर से हो सकते हैं, उसमें कोई रैशनलाइजेशन नहीं होता है कि वो फार्मा सेक्टर से ही होंगी या बैंक सेक्टर से ही होंगी या ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही होंगी, वो किसी भी सेक्टर से हो सकती हैं और कोई भी उसको रेगुलेट कर सकता है। तो जो भी मार्केट लीडर है वो कि चूंकि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप में से कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो आप क्या चीज़ पहले स्टडी करते हो, आप मार्केट को पहले स्टडी करोगे या फिर पहले आप इंडेक्स को स्टडी करते हो। तो अगर मैं किसी से अभी पूछूं अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो अगर कोई जवाब देना चाहे मेरे को कि आप इंडेक्स स्टडी करते हैं या फिर स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी करते हैं, कोई अगर स्टडी करता हो मार्केट को, इंडेक्स को मार्केट को पहले क्या करेंगे आप? ओके, तो जैसे आई थिंक सर भी एक ट्रेडर होंगे तो ट्रेडर के लिए पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि हम पहले कंपनी देखते हैं, बट अगर मेरे को स्टॉक मार्केट एज अ होल स्टडी करना है तो मैं पहले इंडेक्स के ऊपर जाऊंगा, ताकि मेरे को इंडेक्स से ब्रॉड व्यू दे देगा कि अभी कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर आप सर जरूर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे तो उन्होंने अभी पीछे पिछले कुछ ट्रेंड्स देखे होंगे एक दो हफ्ते के, तो उसमें हमें क्या देखा था कि बहुत सारी कंपनीज हैं कि वो रेड में जा रही है, रेड में जा रही है इन द सेंस कि वो कंटिन्यूसली उनका स्टॉक प्राइसेस डिप्लीट होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। बट अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो हमें इंडेक्स क्या बता रहा है कि जो टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हो सकता है कि जो नीचे की कंपनीज हैं, जैसे कि हम अपने कंपनीज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है लार्ज कैप, एक होती है मिड कैप और एक होती है स्मॉल कैप कंपनीज। तो हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, बट जो लार्ज कैप कंपनीज है, अब लार्ज कैप कंपनीज है कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे अडानी के कुछ स्टॉक्स हो गए, टाटा के कुछ स्टॉक्स हो गए, एयरटेल हो गया, तो ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ा है। तो ये हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में आते हैं और ये हमारे पूरे रैली को ट्रेंड में लेकर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनीज तो इंडिया की यही है, सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो इन्हीं के पास है, तो ये हमारे मार्केट को वो कराएंगे। अब अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि जो मैंने आपको पहले बताया NSE और BSE है। तो ये है हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की NSE और BSE है। बट अगर आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात करें तो NYSE आपने नाम सुना होगा, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बाय अगर हम वैल्यू की बात करें बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो NYSE या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है नास्डाक। नास्डाक भी जैसे आपको मेरे पिछले वीडियो में जो बैकग्राउंड था वो नास्डाक में लगा हुआ था। नास्डाक सबसे ज़्यादा जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है वही नास्डाक है, और प्लस उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर स्टैंड करता है।
अगर हम NSE और BSE की बात करें तो ये काफ़ी पीछे आते हैं, क्योंकि इंडिया का मार्केट अभी ग्रो कर रहा है। क्योंकि इंडिया में भले अभी 140 करोड़ लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट जो लोग इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो बहुत कम परसेंटेज है। सो अगर हम सिर्फ अकाउंट के बेसिस से बात करें, जो लोग अकाउंट खुलाते हैं वो ही मेनली 5% है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो तो इससे भी बहुत कम हो जाता है। तो क्योंकि लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वजह से हमारा मार्केट बहुत बड़ा नहीं है। इस वजह से NSE जो है वो 9th नंबर पे स्टैंड करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इनके इनकॉर्पोरेशन जो हुए थे वो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि BSE जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चाइना से भी आगे हैं हम इस चीज़ में, जापान से भी आगे हैं। और लेकिन पहले जो ट्रेडिंग हुआ करती थी वो पेपर ट्रेडिंग हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको दलाल स्ट्रीट पे अगर आपने स्कैम 1992 देखी तो उसमें देखा होगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग चल रही है। वहाँ पे ब्रोकर्स आपके सामने हैं और डायरेक्टली आप उनसे जाके बाइंग एंड सेलिंग करते हो। तो ये आपके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम, तो अब सेबी क्या है? सेबी आपका एक रेगुलेटरी बोर्ड है। अब अगेन मैं एग्जांपल लूंगा हर्षद मेहता का कि जैसे उसमें स्कैम हो गया था। अब ऐसे इंडिया में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं, पहले भी हुए हैं और आज भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो सेबी क्या करता है? एक रेगुलेटरी बोर्ड है। अब उस रेगुलेटरी बोर्ड का काम क्या होता है? जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट हर चीज़ को रेगुलेट करती है कि भाई मैंने एक कंपनी बनाई है, कोई एक सेक्टर बनाया है, अब वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसमें कुछ मिसहैपनिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो क्योंकि मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी के स्टॉक की बात करते हो प्लस आपकी कंट्री की सबसे बड़ी कंपनीज की अगर आप बात करते हो, अगर उसमें किसी भी तरीके का नॉन रेगुलेशन पार्ट होगा तो गवर्नमेंट उसको होल्ड करेगी। तो इस वजह से उन्होंने एक सेबी बनाया था। सेबी बेसिकली पहले एक नॉन रेगुलेटरी या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, मतलब बेसिकली पहले परमानेंट नहीं था, बट फिर एक लॉ पास कराया था, उस लॉ के अंडर वो सेबी रेगुलेट हो गया था और उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिल गया था। तो आज अगर हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ भी होता है तो वो सबसे पहले किसके थ्रू जाता है? सेबी के थ्रू जाता है। अगर उसको लग रहा है कि कोई कंपनी कुछ मैनिपुलेशंस कर रही है, जैसे आपने अगर देखा हो अभी जो 3-4 दिन पहले जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने का एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि मार्केट में बबल आ गया था। अब बबल क्या होता है कि कंपनीज जो थी वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो चुकी थी, जो एक्चुअली उनकी अर्निंग्स नहीं थी उससे ज़्यादा उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो सेबी ने ये चीज़ देखी कि जो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं, या फिर बहुत सारे जो IPOs आए थे, IPOs में आगे चल के आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि IPO क्या होता है। तो ये सब क्या करते हैं? स्टॉक में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट कर रहे थे। अब मैनिपुलेशन क्रिएट करने से क्या होता है? आ रही मेरे यस सर, मैनिपुलेशन क्रिएट करने से क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में अगर आप कंटिन्यूसली आप चेंजेस लेकर आ रहे हो अपने स्टॉक प्राइसेस के अंदर, कंपनी कुछ भी चेंज नहीं कर रही है। कंपनी जैसे 3 साल पहले काम कर रही थी आज भी वैसे काम कर रही है। कंपनी में जो 3 साल पहले से वो कंपनी ग्रो कर जा रही है, तो इससे आपको क्या समझ में आएगा? जब कंपनी खुद ग्रो नहीं कर रही है तो फिर उसका स्टॉक प्राइस कैसे ग्रो कर रहा है? तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है। और उस मैनिपुलेशन को चेक कौन करता है? वो एक सेबी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो उसको चेक करती है, उसको रेगुलेट करती है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बताना चाहिए। अब अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनका पिछला फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है और वो कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं। बिकॉज मैं जब किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए मेन क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कि वो कंपनी कैसे काम करती है, उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट जो पैसा मैं लगा रहा हूँ उस कंपनी में वो कहाँ जा रहा है। तो ये बेसिकली आपका सेबी का काम हो गया। अब जैसे मैंने एक टर्म यूज़ किया था यहाँ पे IPO, तो IPO क्या होता है? इट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? जैसे दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट आपका क्या हो जाएगा? जब आपकी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है तो उसको हम बोलते हैं IPO। जैसे आपने भी देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी, जो हमारी बड़ी तो नहीं एक्चुअली बट जिनका हमने नाम बहुत ज़्यादा सुना है, जिनका फेम बहुत ज़्यादा है, उनके रिसेंटली IPOs आए। जैसे Zomato का IPO आया था, अभी टाटा टाइप का IPO आया था लास्ट ईयर के। आपने बहुत सारे IPO देखे पिछले 2-3 साल में, कंटिन्यूसली बहुत सारे कंपनीज लिस्ट कर रही है अपने आपको इन द नेम ऑफ IPO। तो जब फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी को लिस्ट करते हो तो उसको बोलते हैं IPO। तो एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर या फिर एज वेल एज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप स्टॉकोलॉजी में काम कर रहे हो, तो IPO में बहुत बड़ी लिस्टिंग होती है, क्योंकि पहली बार लिस्ट होने जा रही हो कंपनी, तो ये
एज अ ब्रोकर आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है कि आप इसको सेल करने की कोशिश करो। तो जितने भी आपके ऑलरेडी इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर आपके क्लाइंट्स होते हैं, आप जाके उनको पिच करोगे कि भाई ये कंपनी आ रही है, नई कंपनी लिस्ट होने जा रही है, तो आप में इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप इसके शेयर होल्डर बन सकते हो। तो अब जो इन्वेस्टमेंट जो आप इनिशियली करते हो वो आपका प्राइमरी मार्केट में होता है, क्योंकि वो आप डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हो, या तो कंपनी के प्रमोटर से खरीदोगे या फिर कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उनके शेयर्स आप खरीदोगे। तो दैट इज योर प्राइमरी मार्केट। बट एक बार जब वो आपके अकाउंट में आ गए और आपके अकाउंट में आने के बाद आप अगर आप किसी थर्ड पर्सन को सेल कर रहे हो तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। जैसे कि आज अगर कोई IPO आया और उसके मैंने अगर शेयर खरीदे तो दैट इज प्राइमरी मार्केट। कल मैंने वो किसी और को बेच दिए तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ चुका है और वो अब नॉर्मल तरीके से ट्रेड करेगा, जैसे कि एक 10 साल पुराना स्टॉक ट्रेड किया करता या फिर जो आज लिस्ट हुआ है वो भी उसी तरीके से ट्रेड करेगा। तो बस यही डिफरेंस होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट इसमें क्या करता है कि कंटिन्यूसली वो आपके अंदर चेंजेस, मतलब जो आपका स्टॉक्स हैं उसमें कोई ट्रेडिंग आएगी, तो ट्रेडिंग के आने के कॉजेस क्या क्या होंगे, आपके जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आएंगे, क्या आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, आपकी स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसके आपके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे आ रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जैसे स्टॉकोलॉजी का काम करती है कि वो फाइनेंशियल एडवाइस देने का काम करती है, तो वो फाइनेंशियल एडवाइस क्या दे सकती है कि भाई की कोई स्टॉक खरीदो। जैसे आपको भी शायद बहुत सारे कभी कॉल्स आते होंगे, कभी मैसेजेस आते होंगे टेलीग्राम पे या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे देखते होंगे कि ये वाला स्टॉक खरीदो, आप न्यूज चैनल पे बहुत सारे देखते हो कि आप ये वाला स्टॉक खरीदो ये उठने वाला है। तो अगर वो चीज़ वो बोल रहे हैं तो वो किस बेसिस पे बोल सकते हैं, क्या कॉज है उस कंपनी का कि वो आगे जाके आगे आने वाले टाइम में वो कंपनी ग्रो करेगी, ये आप कैसे समझेंगे। सबसे पहला बेसिक जो आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में कि एक डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन होती है, कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर सप्लाई उस चीज़ की लिमिटेड है तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। जैसे IPO में ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, जैसे मान लीजिए आज मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करने वाला हूँ और जब मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो उसके 100 शेयर्स हैं, बट उसके खरीदार आ गए 1000 लोग बोल रहे हैं कि मेरे को 100 शेयर्स खरीदने हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और तो और सप्लाई लिमिटेड होगी तो उसका प्राइस ग्रो करेगा। तो अगर मैं चाह रहा था कि वो 100 स्टॉक्स 100 रुपये के रेट पर बेचूँ तो हो सकता है कि वो 105 या 110 रुपये पर आ जाए, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। तो ये एक बहुत बेसिक रीज़न हो जाता है कि किस तरीके से आपके ट्रेंड्स बनते हैं। तो आप मार्केट में आप देखोगे कि किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। सेकेंड आप देखोगे आपको ना एज एन इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि हम तो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं तो हमें फॉलो करना होता है वॉल्यूम्स को, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में हमें उनको फॉलो करना होता है। अब मोस्टली लोग जो होते हैं वो पैसा अपना स्टॉक मार्केट में गंवा देते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि भाई हमारे चाचा थे, हमारे मामा थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया वो बर्बाद हो गए। तो वो जो बर्बादी वाला रीज़न जो आ जाता है स्टॉक मार्केट में वो कहाँ से आता है कि आपने ना सही इंसान को फॉलो नहीं किया, आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को आपने फॉलो नहीं किया जो कि मार्केट को टेक ओवर करते हैं, जो मार्केट को लीड करते हैं, जो मार्केट को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरफ जाना चाहिए। ये रेगुलेट कौन कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस कर पाएंगे। आज अगर हम सब इसके पैसे लगाते हैं तो हम वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली एक दिन में एक शेयर कितना ज़्यादा बाय एंड सेल हुआ, तो जितना ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होगी स्टॉक्स में उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा। तो अभी बस उसकी PPT नहीं है, बट अगर इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ लॉन्ग टर्म। तो जैसे मैं आपको बता रहा कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम्स को देखना चाहिए। अब आप वॉल्यूम्स को कैसे देखोगे कि अगर आपका अगर किसी ने भी आज तक चार्ट खोला है तो चार्ट में आपको ये देखेगा कि वॉल्यूम्स किस तरीके से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और जब आपके प्राइसेस होते हैं वहाँ पे नीचे छोटे छोटे बार्स बने रहते हैं, तो बार्स आपको क्या बता दें कि कितनी ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। तो मान लीजिए किसी दिन एकदम से किसी स्टॉक का प्राइस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ तो उसका आपको वॉल्यूम में देखेंगे कि जो नीचे कैंडल स्टिक्स के नीचे जो वॉल्यूम आ रहा है वो बार बहुत बड़े बड़े, और फिर आप किसी ने देखो कि इसमें सेलिंग हो रही है तो शॉर्ट सेलिंग हो रही है। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि किसी दिन बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ रहे हैं और फिर एकदम बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग्स आने लगे और छोटे छोटे जो बिल्डिंग्स हैं वो रेड में, तो उस समय क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है लेकिन बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में हो रही है, लेकिन जब बाइंग हो रही है तो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में हो रही है। तो यहाँ से हमें ना किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड समझ में आएगा कि इसमें कोई कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, और अगर इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं तो हमें उनको फॉलो करना है।
हमें जैसे बड़े बैंक्स हो गए, बड़े एनबीएफसीज हो गए, वो लगाते हैं बल्क में पैसा, और जब वो बल्क में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है, हमें हमारे दोस्त को फॉलो नहीं करना क्योंकि वो और मैं सेम स्केल में हैं। बट मैं और अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो हम दोनों बहुत अलग अलग हैं, तो मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर सकता हूँ। अब जैसे सर का क्वेश्चन था कि वो इंट्राडे को समझा सकते हैं, तो आपको बेसिक ट्रेडिंग बताता हूँ कि कैसे होती है। एक आपकी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और एक आपको आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, या फिर आप उसको एज ए इन्वेस्टर बोल सकते हो या ट्रेडिंग दोनों बोल सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे मार्केट का टाइम होता है, मार्केट ओपन होता है सुबह 9:30 बजे और वो दिन में बंद हो जाता है 3:30 बजे, तो आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है वो इस टाइम के ड्यूरेशन में ही करनी है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई 9:30 पे ओपन हुआ मार्केट, आपने 9:30 पे कोई स्टॉक खरीद लिया और उसको बिफोर 3:30 सेल कर दिया, तो इसको इंट्राडे बोलेंगे कि आज खरीदा और आज के आज उसको बेच दिया, तो वो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, जैसे आपने आज स्टॉक खरीदा और उसको एक हफ्ते या मैक्सिमम एक महीने तक अपने पास रखा और उसको सेल कर दिया, तो वो हो जाता है वेरी शॉर्ट टर्म स्पैन के लिए ट्रेडिंग हो जाती है, वो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी। लेकिन अगर आप आज खरीद रहे हो और उसको अप्रॉक्सीमेटली आप 3 से 6 महीने तक अपने पास रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होती है वो जनरली मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, कि आप मार्केट देखते हो कि मार्केट किस तरफ जा रहा है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं खरीदूंगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं बेचूंगा। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो होते हैं वो मोमेंटम ट्रेडर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि वो मार्केट के मोमेंटम के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो एक साल से ज़्यादा के लिए अपने पास में स्टॉक रखते हैं। जैसे मैंने 2020 में कोई स्टॉक खरीदा था और आज का अगर वो मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं क्या हूँ, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ इसका। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए जानता हूँ कि भाई आज तो ये कंपनी बढ़ रही है, जैसे आपने अगेन वो हर्षद दादा में देखा हो कि भाई टाटा खरीदो, टाटा तो बढ़ेगा ही, वो एक नामी कंपनी है, लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है उस पर, तो कंपनी कभी डूबेगी नहीं और आपका पैसा भी नहीं डूबेगी, तो आपको खरीद लो और आपके बच्चे उसको बेचेंगे। तो वो हो जाता है एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर का व्यू, कि आज मैं भाव नहीं देख रहा, बस मेरे को कंपनी में भरोसा और पैसा लगा रहा हूँ उसमें, ये हो जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडर। आई थिंक कि मैं क्लियर था। ओके, अब इसमें ना आपको एज ए स्टॉकोलॉजी पर्सन में थोड़ा डिटेल दे दूँ कि जब आप काम करोगे तो उसमें आपको ना ब्रोकरेज समझ में आना चाहिए। ब्रोकरेज क्या होता है, ठीक है, अगर कोई इंटरमीडियरी काम कर रहा है तो आपने हर चीज़ में देखा होगा कि कमीशन लगती है, कि अगर कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बीच में उसका आ रहा है तो वो कमीशन लेगा उस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ सारी ब्रोकरिंग कंपनीज करते हैं कि वो ब्रोकरेज चार्जेस देते हैं। जैसे मैंने आज इंट्राडे में आज सुबह कोई स्टॉक खरीदा, शाम को उसको सेल कर दिया, तो जब बाइंग एंड सेलिंग करी दोनों पे मुझे कुछ ना कुछ परसेंटेज को कमीशन देना पड़ेगा किसी ब्रोकर को। जैसे स्टॉकोलॉजी जो ब्रोकर, तो मैं उसको पैसा दूंगा, ज़ीरोधा एक ब्रोकर है, एंजल वन एक ब्रोकर है, ग्रो एक ब्रोकर है, तो मैं उनको ब्रोकरेज चार्जेस पे कर सकता हूँ। अब सबके अलग अलग होते हैं, कुछ के फ्री होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एंजल वन में मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फिर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझसे ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते, फिर उनके अलग फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में काम नहीं करते। और कोई क्वेश्चन था आपको इससे रिलेटेड, इंट्राडे से या फिर आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से रिलेटेड? सॉरी, ओके, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, जब आप अभी हम जैसे मेरे लास्ट वीडियो में बताया कि जब ऑप्शंस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, जब आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो एफएनओ ट्रेडिंग थोड़ी सी अलग ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म को नहीं देखते हो, आप बेसिकली इसमें प्रेडिक्शंस के थ्रू करते हो। कि जब आप किसी कमोडिटी की बात हो गई, ठीक है, दो चीज़ों में आप डिफरेंस समझिए कि एक होता है आपका कमोडिटी, एक होता है आपका करेंसी और एक होता है आपकी कंपनी। कमोडिटी क्या है, जैसे अगर मैं कोई मेटल बेचता हूँ, मैं एल्यूमिनियम सेल कर रहा हूँ, मैं कॉपर सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरी कमोडिटी हो गई। करेंसी क्या हो गई, जैसे आज अगर मैं इंडियन हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास INR है, बस रुपीज़ है, लेकिन अगर मेरे को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना है किसी चीज़ को, तो मुझे पैसा चाहिए डॉलर्स में। तो अगर मेरे पास डॉलर में पैसा नहीं है तो मेरे को डॉलर को ट्रेड करना पड़ेगा, उसको करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। तो जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस जो ट्रेडिंग होती है वो जनरली कमोडिटी वाली ट्रेडिंग होती है। फिर हो जाते हैं फ्यूचर्स। क्या फ्यूचर बेसिकली आपको ना सिर्फ आपको निफ्टी प्रेडिक्ट करना है, जैसे मान लीजिए आज है 18 मार्च, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए कि 25 मार्च को मार्केट क्लोजिंग है, तो वहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि निफ्टी का प्राइस क्या होने वाला है, क्या निफ्टी ऊपर जाने वाला है, और अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा। तो एट टुडेज प्रेजेंट टाइम कि मेरे को उसमें एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ प्रेडिक्ट करना है, फिर अगर वो प्राइस उतना ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और मेरे को पैसा मिल जाएगा।
बट अगर वो लॉस में चला गया, वहाँ से नीचे चला गया, तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा और फिर जो मेरे को जो मार्जिन होगा सिर्फ मेरे को मार्जिन पे करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसी को जब जैसे आपने आज पैसा लगा दिया, आपको लग रहा था मार्केट बहुत मोमेंटम में चल रहा है, बट आने वाले टाइम में अगर वो मार्केट नीचे जाने लगा तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आप अगर करते हो तो आप कॉल और पुट के ऑप्शन देखोगे, तो वहीं पर आप उसको शॉर्ट साइड कर देते हो और फिर वहाँ पे आप अपने लोअर वैल्यूज बनाते जाते हो। ओके,